कल्याण कसारा सेक्शन पे पब्लिक की डिमांड थी थानसिन और उंबरमाली स्टेशन की। और आज हमारे सामने दो स्टेशन है, एक थानसिन और दूसरा उंबरमाली। और थानसिन स्टेशन में पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ उंबरमाली स्टेशन के बारे में। दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं रेल फैनिंग विद करण। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उंबरमाली स्टेशन के बारे में। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है OMB और ये स्टेशन ऑपरेटेड किया जाता है बाय सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई डिवीजन। और इस स्टेशन की बात करें तो ये सबर्बन स्टेशन है, तो अभी डेवलपमेंट हुआ है इसका। दो प्लेटफॉर्म्स है और इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्रूवल मिला था 15 फरवरी 2018 को। तो दोस्तों, आपने आज तक देखा कि मैं हर एक स्टेशन पे अकेले रिव्यू देने जाता हूँ, लेकिन आज मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं, अक्षय भाई। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा अकाउंट है, आपको मालूम ही रहेगा, द रेल कल्चर। तो मैं अकाउंट में उस अकाउंट का ओनर हूँ और मेरा चैनल है रेल फैनिंग विद अक्षय और ये रेल फैनिंग विद करण। आज रेल फैनिंग विद करण। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे आते घूमने के लिए, तो आज मैं बहुत समय बाद टाइम निकाला हूँ। हाँ, लास्ट टाइम हम AC लोकल के टाइम मिले थे, हमने उसका रिव्यू दिया था, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शंस। और कुछ बताना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको मिले हुए। तो गाइस, मुझे एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप इतना दूर जाके रेल पैनिंग क्यों करते हो। बिकॉज इसका ऐसा रीज़न है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और बहुत साइलेंट जोन होता है। यह है मुंबई नासिक हाईवे, देख सकते हैं आप, और ये बाजू में उंबरमाली स्टेशन। सो दैट्स ऑल गाइस, मैं अभी आगे जा रहा हूँ। दोस्तों, अक्षय भाई की डिमांड थी कि उनको थानसिन स्टेशन देखना है, तो अभी हम यहाँ पे आ गए। भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे भी, और वहाँ पे हम लोग ने उंबरमाली में भी किया दो तीन एक्शन। और स्पेशली मुझे भी मेरे ब्लॉग में दिखाना था ये थानसिन स्टेशन। ये दोनों स्टेशन नए बने हैं सेंट्रल रेलवेज ने, और अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, लोगों के डिमांड पे किया है, और अच्छा है यहाँ पे एनवायरमेंट वगैरह। और थोड़ा काम चालू है उधर, वो फर्श का जो फर्श रहता है वो उसका पॉलिश कर रहे हैं मशीन से। और बाकी अभी यहाँ पे RPF वगैरह भी मैनेजमेंट होगा अच्छा, क्योंकि ये जरा गांव से दूर ही है, बीच में ही पड़ता है ये स्टेशन। और वैसे भी इधर भी आ जाओ, अच्छा स्पॉट है, बहुत ही अच्छा एक्शन मिलेगा। स्ट्रेट ट्रैक है और स्पीड इज 105।
दोनों साइड से ग्रीन सिग्नल हो चुका है और आप पीछे देख ही सकते हैं, दोनों रेल फैंस रेडी है दोनों ट्रेन को कैप्चर करने के लिए। तो अभी मैं भी देखता हूँ कौन सी ट्रेन आएगी इस मोबाइल में कैप्चर होने के लिए। Few moments later. आधा घंटा हो गया है, कोई भी ट्रेन नहीं आ रही है, इसलिए मैं मॉर्निंग को अरेव करता हूँ। अभी नेक्स्ट ट्रेन जबलपुर गरीब रथ आएगी, बट बहुत टाइम हो गया, दोपहर का टाइम है, ट्रेन बहुत कम है। 5 minutes later. दोस्तों जो जो रेल फैंस है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैक के पास ना जाए, बिकॉज आप एक्शन ले सकते हैं तो ट्रेन से थोड़ा डिस्टेंस दूर बनाए रखिए, छोटी सी बात के लिए बड़ा रिस्क मत उठाइए। और आपके पास कैमरा से तो उसे आप जूम कर सकते हैं, बाकी बी सेफली रेल फैनिंग कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।